माई चैनल। तो आज हम ए वाला गाना ही सीखेंगे। इस गाने का हम कॉर्ड्स करेंगे, स्ट्रमिंग करेंगे और इंट्रो वाला टैब्स भी हम सीख लेंगे। तो अगर आपको ए वाला लेसन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि मेरे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहला हम ओ वाला इंट्रो वाला टैब सीख लेते हैं। तो इट गोज लाइक दिस। तो ये क्या हो रहा है देख लेते हैं। स्टार्टिंग ऑन द सेवेंथ फ्रेट ऑन द ई स्ट्रिंग हम पहले सेवन से टेन स्लाइड करेंगे। पहले सेवन प्ले करेंगे फिर टेन तक स्लाइड करेंगे। ऐसे सेवन प्ले करने के बाद थोड़ा सा रुकना है, फिर सेवन फिर से, तो फिर इसे और एक बार रिपीट। तो पहला दोनों पार्ट क्या हो गया, फिर हम क्या करेंगे, हम बी स्ट्रिंग में आ जाएंगे ऑन द टेन फ्रेट, फिर टेन प्ले करेंगे, फिर स्लाइड टू ट्वेल्व, फिर बैक स्लाइड टू टेन, फिर सेवन, तो फिर ये वाला पार्ट और एक बार राइट। तो पहले से अगर हम प्ले किए और एक बार
ठीक है, ऐसा आपका इंट्रो बच जाएगा। तो चलिए अभी कॉर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। तो जो कॉर्ड्स लगे हैं बहुत ही सिंपल सिंपल कॉर्ड्स लगे हैं। पहला कॉर्ड होगा आपका जी मेजर कॉर्ड, राइट, आप ऑन स्क्रीन डायग्राम देख लो। तो दूसरा कॉर्ड लगेगा दैट इज द सी मेजर कॉर्ड। तो तीसरा कॉर्ड लगेगा दैट इज द ए माइनर कॉर्ड। ओके, जो फोर्थ कॉर्ड लगेगा दैट इज द ई माइनर। ओके, और हल्का सा पार्ट में आपका बी माइनर कॉर्ड भी यूज हुआ है। आप बी माइनर ऐसे प्ले कर सकते हो या फिर आप ओपन पोजीशन में भी ऐसे प्ले कर सकते हो। और अगर आपको बी माइनर लेने में डिफिकल्टी आ रही है तो फिर आप बी माइनर की जगह पे सी मेजर प्ले कर सकते हो, राइट। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप बी माइनर को प्रैक्टिस करो और इस सॉन्ग में अप्लाई करने की कोशिश करो। तो चलिए अभी स्ट्रमिंग पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। तो मैं आपको दो स्ट्रमिंग पैटर्न बताऊंगा, एक स्ट्रमिंग पैटर्न जो मैंने प्ले किया है और एक स्ट्रमिंग पैटर्न है जो लोग ए वाला स्ट्रमिंग पैटर्न जो बताने वाला उसे प्ले करने में अगर डिफिकल्टी आया तो आप सेकंड वाला स्ट्रमिंग पैटर्न यूज कर लेना, ठीक है। तो मेरा वाला स्ट्रमिंग पैटर्न विल गो लाइक दिस। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप। तो इस स्ट्रमिंग पैटर्न को आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहला वाला पार्ट होगा आपका डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। फिर से पहला वाला पार्ट क्या होगा, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट। और सेकंड वाला पार्ट जो रिमेनिंग रह गया, डाउन डाउन अप। तो फिर ये दोनों पार्ट्स को अगर आप कंबाइन करोगे तो फिर डाउन डाउन अप डाउन और फिर डाउन डाउन अप। अब ये पार्ट वन और पार्ट टू के बीच में थोड़ा सा गैप है, देखो फिर से। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप। तो फिर पहला वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट के बीच में एक गैप है, लेकिन जब हम सेकंड वाले पार्ट से पहला वाला पार्ट पे फिर से आ रहे हैं वहां पे कोई गैप नहीं होगा। लाइक दिस, देखो, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप, ठीक है। ऐसा स्ट्रमिंग पैटर्न आप प्ले कर सकते हो। अगर आपको ए वाला स्ट्रमिंग पैटर्न प्ले करने में डिफिकल्टी हो रही है तो फिर आप ए वाला सिंपल स्ट्रमिंग पैटर्न प्ले कर सकते हो। बहुत सारे गाने में यूज होता है। डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो दैट वाज द फाइनल लेसन। तो इस लेसन में अगर कोई भी डिफिकल्टी हुई तो फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करके जरूर बताना। कोई सॉन्ग सजेशन है तब भी आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप चाहे तो मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम या फेसबुक में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से मेरे अगले वीडियो पे। बाय बाय।